दवाखाने में जो भी डेथ हो गई थी उनका डिलीवरी, तो आप जो है बताइए कि वीडियो को क्या है, अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट का नाम जीनत बेगम है, उनके शौहर का नाम शेख मोहसिन है और उम्र जो है ना 23 साल है बच्ची की, और ये सेकंड डिलीवरी है। फर्स्ट जो है ना बेटी है उनकी 1.5 साल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था डिलीवरी, और अभी भी जो है ना उनका जीएमएच का कोठी का नीलोफर का है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल भी गए थे कहते वो लोग वहाँ पर टाइम है बोल के जीएमएच में भी भिजा दिए, और एडमिट शायद नीलोफर में थे एडमिट, तो मत एडमिट है कुछ 12 बजे तक कहीं से बोले ना 12 बजे तक थे, 1-2 घंटे थे टाइम है बल्कि आ गए। तो हम लोग, ये हमारा पेशेंट फर्स्ट टाइम आए, हमारे पास रेगुलर पेशेंट नहीं होता, फर्स्ट टाइम आए हम, पहली बार देखे 7:41 को दिए, देखे ये हमारे ओपी का ऑनलाइन रहेगा हमारा, 7:41 को हम पेशेंट को देखे, और पेशेंट बाहर से व्हील चेयर पे लाया गया क्योंकि पेशेंट बैठ नहीं सक रहा था, दम चढ़ रहा था, और पेशेंट का खून का जो है ना ग्राम 6 ग्राम खून है उसके जिस्म में, सिर्फ 6 ग्राम है खून उसका जिस्म में, तो जिसके से दम बहुत चढ़ रहा था, इमीडिएटली लाए, ला के जो है ना अंदर देखने के बाद हम उनको एक्सप्लेन ये करे कि 2 बच्चों में से एक बच्चे की हमको हरकत बिल्कुल बंद है टोटली, और जब पेशेंट लेट नहीं सक रहा था बिल्कुल, उसको लिटा के दूसरा पोजीशन हम नहीं देख सक रहे थे, तो हम ये बोले ये भी नहीं मिल रहा हमारे को, शायद बराबर नहीं लेटे होंगे, जो भी है अब हम देखेंगे बाहर आने के बाद, क्योंकि दूसरा उन्होंने अच्छा पोजीशन से अगर लेट सकते तो अपन वो भी बहुत मुश्किल से देखे, हम इतना भी उनको देखे जो भी मुश्किल से देखे, उसके बाद हम फौरी 6 ग्राम है बल्कि ब्लड लाने के लिए फौरी भी आ दिए, सिग्नेचर करके एडमिट कर लिया उनको। मगर हम जो बात करें वो लेडीज के थ्रू जो बात करें ना, उनके हस्बैंड तक पता नहीं चली, मतलब उन्होंने परेशान हो गए, उनको ये सब पता ही नहीं है उनको, वो पेशेंट का उन्होंने खुद भी कंडीशन दम चढ़ा सो आप देखे होंगे ना दम चढ़ा सो, हाँ, तो उनको ये मिसकम्युनिकेशन ये हो गया कि शायद मतलब सब अच्छा खासा था, होगा मैं आया था कैसा कैसा हो गया, ये कंफ्यूजन हो गया उनको। और क्योंकि मेरा बोलने का मतलब क्या है मालूम है, हमारे सास को, हमारे फूफू सास को बोले मैडम मेरे को इन लोगों ने नहीं बोले, हाँ वो मिसकम्युनिकेशन, ये जो फलाना बाता करना था कर दिया हो गया, और रही बात एक मालूम है मेरे को मैडम बोलना था मगर इन लोगों मेरे को भी बोले नहीं, डायरेक्ट बात कर लिए। वो हालत ऐसी साथ और हमारे फूफू साहब डिलीवरी के लिए 36 वीक्स होने के बाद जो है सिजेरियन के लिए जाती है नॉर्मल, कितने वीक्स की बेबी थी ये अराउंड 36 वीक्स है बेबी को, मगर एक चीज क्या है शुरू से अपने पास एंटीजन लिए जाती है नॉर्मल, कितने वीक्स की बेबी थी ये अराउंड 36 वीक्स है बेबी को, मगर एक चीज क्या है शुरू से अपने पास एंटीनेटल चेकअप नहीं है ना, और हमको बेबी का वेट या वो सब चीजा नहीं मालूम। दूसरा क्या है अगर हम शायद 34 वीक्स में अगर देख लेते, हम पूरे इन्वेस्टिगेशन करा लेते तो शायद हम ऑपरेशन में कुछ कर सकते थे होंगे, क्योंकि ऐसे कंडीशन में और कितना टाइम लग गया देखिए आप 7:41 से 8:45 वो विद इन 1 आवर समझिए आप, यहाँ से पेशेंट लेबर रूम तक शिफ्ट हो गए थे कि 10 मिनट लगते व्हील चेयर में, बच्चे अंदर जाया हो गए थे, और क्यों वो हम ये पहले इनको ये नहीं बताया कि 3 दिन पहले खत्म हो गए, वो हम कैसे बताते हैं क्योंकि हमको पेट में रहते हैं वो नहीं मालूम होता हमको, बाहर आने के बाद जब उसकी स्किन बॉडी की निकल गई थी वो देख के बोले कि भाई ये 48 आवर्स के ऊपर हो गया, वो हम देखने के बाद बोले, क्योंकि पहले से हमको पता नहीं चलता ना स्किन नहीं निकलती ना ऐसा, स्किन 48 आवर्स के बाद निकलती, तो हम उसको देख के बोले, तो मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से, और इतना रश था और इनको बात यानी हम ये बात करने से ज्यादा पहले इसको कैसा मतलब एक पेशेंट को कैसा हैंडल करना, कैसा उसको ठीक करना, एक को ब्लड को भी आ रहे, एक को फौरी दवाओं को भी आ रहे, इस अभी 6 ग्राम है पेशेंट खून, बुखार है, अभी पैरासिटामोल इंजेक्शन आईवी दिए, एक पैकेट ब्लड मंगाए मगर बुखार होने की वजह से नहीं जाए, क्योंकि बुखार जरा हो, हम तो तैयार है, हम काम करने के लिए तैयार है, हम का हमारा काम ही पब्लिक की सेवा करना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उसके लिए उनको नहीं भाई हमको टाइम ही नहीं मिला ना, 1 ही घंटे के अंदर वाना सब छठ बोल के क्या करे, इनको मतलब बुला के नहीं बोले गए थे जी,
हाँ। इस दौरान मैडम की और आपके लेडीज की बात हुई, आपको नहीं मालूम है? मैं जब फोन लेके आया बात, जब तक दोनों की डेड हो गई थी, बच्चा और बच्ची मौजूदा मैडम की अलहमदिल्ला करा में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल करे ना मैडम, दो करे नॉर्मल। और एक बात, ये लोग जब तकलीफ होती तो मेरे को बोले रिक्वेस्ट करे ऑपरेशन करो बोल के। आप बोले मैडम, आपके लेडीज मैं बोली, आप मेरे को अगर 1,00,000 रुपए दिए तो ऑपरेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे अंदर सही नहीं है, मतलब बच्चे जिंदा नहीं है ना, अगर उतना बड़ा ऑपरेशन करना बेहतर नहीं रहता बोल के तो आए, एक ही घंटे के अंदर ग्लूकोज लगाए, इंजेक्शन दिए, दवा दिए, डिलीवर हो गया। आप मैडम की बात से मैडम, और एक बात, मैं अंदर हस्बैंड जो वाइफ को ले गया तो हस्बैंड से बात कर डालू, चाहे तो मेरे से मिल, इसमें हमारे सास को और हमारे फूफो सास को बोल रहे थे मैडम, बिल्कुल नहीं बोले थे, कुछ भी नहीं मालूम है, गुस्से से बोल डाला मैडम का, था कुछ भी नहीं है, आपका जो बयान था वो आप आपको नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, नहीं मालूम है, मेरे को नहीं बोले थे ना, खाली मैडम इनको बोले ना, तो इन लोग हमें को नहीं बोले, तो मैं जब फोन लेके आया तो जब मालूम हो रहा मेरे को बच्चा और बच्ची की दोनों की डेट हो गई, तो मैं गुस्से से बोला, पहले अगर उनको मालूम होता तो नहीं करते, हाँ जी बेशक है।